चंद्रयान 3 ने भेजी वीडियो जिससे खुलेगी चांद के सारे रहस्य और दुनिया बेताब है उन तस्वीरों को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसरो के पास मौजूद है वो तस्वीरें, वो वीडियो जो कि चंद्रयान 3 ने बेहद नजदीक से भेजी है चंद्रमा की, जो कि आज तक किसी भी देश के पास नहीं, किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, और यहाँ तक कि बस इसरो के पास है। और ये फोटोज और वीडियोज तो पृथ्वी पे बैठे साइंटिस्ट जो हैं टेलीस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते, उनको केवल चंद्रमा के बेहद करीब से ही देखा जा सकता है, जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है, जिसको फार साइड ऑफ द मून या फिर डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, एंड तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। आज एनर्जी कुछ ज्यादा है, आज आपको बताएंगे सारे रहस्य चंद्रमा पे जो मिले चंद्रयान 3 ने, लेटेस्ट अपडेट्स इस वीडियो में, बने रहे। दुनिया हो गई हैरान, चंद्रयान 3 की फोटोज ने कर दिया सबको हैरान। लूना 25 तो क्रैश हो गया दोस्तों, उससे भी काफी सारी उम्मीद थी रशिया को, लेकिन दोस्तों अफसोस कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, जो कह रहा था कि हम चंद्रयान 3 से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन वो असफल रहा दोस्तों। मगर कोई बात नहीं, रशिया भी फिर से ट्राई करेगा, हमने भी कई बार ट्राई किया और आज हम इतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं, और भगवान की कृपा से और सारे भारत के देशवासियों के दुआओं की वजह से चंद्रयान 3 जरूर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। दोस्तों चार दुर्लभ तस्वीरें भेजी है डार्क साइड ऑफ द मून की चंद्रयान 3 ने, वो व्यू तो टेलीस्कोप से भी नहीं दिखता। तीन नाम आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए अभी अभी पेन पेंसिल लेके, तीन नाम तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ही सारी जानकारी है। और ये एक नाम ही वो है जिन्होंने सारे रहस्य खोल दिए चंद्रमा के ऊपर, कितना बेहद करोड़ों रुपया पड़ा है उसके अंदर, क्या बेशकीमती एलिमेंट्स है दोस्तों, ऐसे एलिमेंट जो कि सोने और हीरे से ज्यादा महंगे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें जो दुनिया बदल सकती है दोस्तों, और यूनिवर्स के बनने की जानकारी मिल सकती है। जानिए दोस्तों, पहला नाम है फैब्री, दूसरा जियोर्डानो ब्रूनो हरखेबी जे, फैब्री जियोर्डानो ब्रूनो हरखेबी जे, ये लोकेशन है दोस्तों, इसकी लोकेशन इंपैक्ट क्रेटर्स, इनके अंदर ही दफन है सारे राज। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कीमती एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो चीजें जो एस्ट्रॉइड्स पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्स से लेके जो क्रैश हो गए थे चंद्रमा की सतह पे। दोस्तों आप इस बात को समझिए कि पृथ्वी के ऊपर तो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स आते हैं वो पहले ही 98% खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है और पहले ही खत्म हो जाते हैं, नीचे तक आ ही नहीं पाते, बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, बहुत ज्यादा स्पीड में ही वो एस्ट्रॉइड होगा, जो कि जैसे डायनासोर की को खत्म किया था, उनकी उनका एंड हुआ था, वैसे ही वो एस्ट्रॉइड लगेगा, लेकिन भगवान अगर ऐसे कुछ आए कभी फ्यूचर में। बट हाँ, चंद्रमा के ऊपर कई सारे, क्योंकि वहाँ पे एनवायरमेंट बहुत वीक है, ग्रेविटी बहुत कम है, जिस वजह से कोई इकोसिस्टम नहीं है, जिस वजह से एस्ट्रॉइड वहाँ पे टकरा देते हैं, और चंद्रमा हमें बचाता भी है, क्योंकि कई सारे एस्ट्रॉइड जो पृथ्वी पे आ रहे होते हैं पहले ही चंद्रमा से टकरा देते हैं, इनके अंदर ही सारे राज दफन है दोस्तों। आइए आपको बताते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, कीमती एलिमेंट्स कौन से हैं, मार्किंग की जरूरत क्यों पड़ी, इन तीन क्रेटर्स की लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, फैब्री जियोर्डानो ब्रूनो और हरखेबी जे क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप एक बात को समझिए कि जब बारिश होती है ना तो बूंद गिरती है तो वो पानी के अंदर चली जाती है, तो जिस वजह से डिप्रेशन बनता है, एक गोलाकार लाइन बनती है, डिप्रेशन बनता है, जिस वजह से नीचे का लेयर जो है ऊपर की तरफ आ जाती है। अब होता क्या है, ये क्यों बता रहे हैं आपको मालूम पड़ेगा थोड़ी देर में इस वीडियो में, ठीक है। लिक्विड की क्वालिटी होती है दोस्तों, कि जब कभी भी कोई एक फोर्स के साथ नीचे जाएगी चीज, उसमें दबाव पैदा करेगी, तो क्या होगा, वो गोलाकार लकीर बनेगी, नीचे का जो लिक्विड है ऊपर आ जाएगा, ऊपर का लिक्विड नीचे चला जाएगा। चांद दोस्तों पहले बहुत गर्म था दोस्तों, उन एस्ट्रॉइड्स की वजह से ही क्या बने हैं, क्रेटर्स बने, जिन तीन क्रेटर्स के बारे में हमने आपको बताया वो वैसे ही बने, और उनके निशान आज भी मौजूद हैं, वो एस्ट्रॉइड्स जिनकी वजह से क्रेटर्स बने, जिन्होंने वहां पे इतने बड़े बड़े विशाल गड्ढे किए हैं, उनकी वजह से ही बने हैं। और वो एस्ट्रॉइड्स अपने साथ कुछ और भी लेकर आए थे, अपने साथ लाए थे वो बेशकीमती एलिमेंट्स, अपने साथ लाए थे वो जानकारी ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि दोस्तों वो आसपास से नहीं, कई करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी पे से आते हैं और यहाँ तक पहुंचे, उनके अंदर वो जानकारी जो कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकती है। चांद ने जो मार खाई है उसका रिकॉर्ड अगर जान गया इसरो, तो इसरो माला माल तो हो ही जाएगा, लेकिन उसका परचम लहरा जाएगा पूरी दुनिया में। एक एक बात समझ सकते हैं हम मीटियोर्स की मदद से, कॉमेट्स की मदद से, उन क्रेटर्स की मदद से जो गड्ढे हुए हैं उनकी मदद से, कि चंद्रमा बना कैसे, पृथ्वी कैसे बनी, सोलर सिस्टम कैसे बना, ये गैलेक्सी कैसे बनी, और ये यूनिवर्स कैसे, और इंसानों की उत्पत्ति कैसी हुई,
यहाँ 98% अर्थ के एनवायरनमेंट की वजह से जो एस्ट्रोइड है वो तो तबाह हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन चंद्रमा पे थर्मल एनर्जी निकलती है नीचे से, जब वो टकराव होता है ये क्रेटर, जब दो पत्थरों की टकरावट होती है तो नीचे थर्मल एनर्जी निकलती है। अब दोस्तों जहां पे वो टक्कर होती है वो लिक्विड बन जाता है, ध्यान से समझना इस बात, वो लिक्विड बन जाता है। और चंद्रमा की लेयर्स जिससे बनी है, अलग अलग लेयर्स जो हैं वो एस्ट्रॉइड से टकराने की वजह से ऊपर नीचे हो जाती है, जो क्रस्ट है वो गल जाता है, ऊपर आ जाता है, उल्टा हो जाता है, और क्रेटर्स में नीचे की चीज ऊपर आ जाती है। दोस्तों एक और चीज आप ध्यान से समझिए कि ये जो तीन हमने नाम बताए, फेब्री, याडानो, ब्रूनो और हर्केबिजे, ये तीनों जो क्रेटर हैं इनके बारे में आपको बताते हैं। फेब्री जो है वो 40 किलोमीटर का डायमीटर है उसका, यानी कि दिल्ली समा सकती है उस क्रेटर के अंदर पूरी की पूरी। जो याडानो ब्रूनो है वो 43 किलोमीटर का है और हर्केबिजे जो है वो 22 किलोमीटर का है। दोस्तों चंद्रमा में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या मटीरियल्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं और एस्ट्रॉइड्स क्या क्या जानकारी लेके आए, वो तो तभी मालूम पड़ेगा दोस्तों जब चंद्रयान-3 वहाँ पे उतरेगा और वहाँ पे डिगिंग चालू करेगा, खुदाई चालू करेगा, और खुदाई के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालेगा जिससे मालूम पड़ेगा कि चंद्रमा की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों पुराने साइंटिस्ट के नाम पे रखे जाते हैं ये नाम, फेब्री, याडानो, ब्रूनो और हर्केबिजे, और इन साइंटिस्टों के नाम पे रखे जाते हैं या फिर वो लोग जिन्होंने खोज की थी वो निशान बना देते हैं उसके ऊपर अपने टेलीस्कोप से, और वो अपना सबमिट करते हैं अपना नाम, और फिर जो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो उनके नाम पे उन क्रेटर्स को रख देती है कि भैया ये इन फलाने जी ने ढूंढा था, इसलिए उनका नाम, क्रेटर्स का नाम अब उनके नाम पे है। दोस्तों साउथ पोल ऑफ द मून पे जब लैंड होगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान-3, तो प्री हिस्टोरिक टाइम सबसे पहले इसरो ढूंढ के निकालेगा कि इस यूनिवर्स या गैलेक्सी के बनने से पहले कैसा था माहौल, पानी है कि नहीं और है तो कहां पे है। डीप डिगिंग करेगा चंद्रयान-3, यानी कि जब विक्रम लैंडर लैंड करेगा उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा तो वो डीप डिगिंग करना चालू करेगा और पता लगाएगा कि अंदर क्या है, कितनी डेप्थ में है पानी। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को फैलाइए दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ताकि सबको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मालूम पड़े और उन्हें मालूम पड़े कि हिंदुस्तान, भारत आज कितने आगे निकल गए और कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में गुजरात जानकारी, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों।